हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके सामने है i20 नई वाली i20 सनरूफ। वाह, सेट गाड़ी है। मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई इस गाड़ी को। इंटीरियर वगैरह सारी चीज़ें आज मैं खुद देखूंगा, खुद आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है। फिर इसके जो ओनर हैं उनसे भी आपको मैं मिलाऊंगा। ओहो, जाट जी जाट भाई पूरे बड़े तरीके से लिखवा रखा है। चलो, कर एस्टा मॉडल है भाई, बहुत बढ़िया। साइड से चारों तरफ से एक बार मैं आपको गाड़ी के लुक दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी अपनी गाड़ी के लुक आ रही है भाई। टायर वगैरह सारी चीज़ों की रिपोर्ट है। तो बिना किसी देरी करे अपने भाई से मिलाता हूँ। और भाई कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे हो? हम भी बढ़िया भाई। आ जाओ गाड़ी के सामने। तो भाई, गाड़ी कब ली? गाड़ी नवंबर 2020 को ली थी। नवंबर 2020, तो आज 2022। हाँ, तो 2 साल हो गए गाड़ी को। डेढ़ साल के लगभग। हाँ, मतलब। और मेरे ख्याल से तभी तभी लॉन्च हुई थी शायद ये उस टाइम पे, है ना? नवंबर को लॉन्च हुई थी और 12 को हमने बुक की और 21 को या 22 को डिलीवरी मिल गई थी। अच्छा जी, बड़ी जल्दी। हाँ, ये थोड़ी पेट्रोल थी और उस टाइम पता नहीं कैसे जल्दी मिल गई, लेकिन उस टाइम 2-2 महीने 3-3 महीने की वेटिंग हुई थी। हाँ भाई, राजस्थान नंबर तो कहाँ से? RJ45 कहाँ का नंबर है भाई? ये जयपुर का नंबर है। जयपुर, तो भाई देख लो, जयपुर से सीधा रिव्यू के लिए यहाँ पाए हमारे पास, तो काफ़ी अच्छा लगा भाई मिलके। तो ये बताओ, i20 क्यों ली? क्या मतलब, क्या कहानी बनी i20 के साथ कि भाई ये गाड़ी लेनी? कहानी ये थी कि हमें चाहिए था सारी फीचर्स जो कि जैसे कि टॉप मॉडल वाले, ऐसे नहीं कि हम इस अगर इसका यहाँ पे 11 लाख हमने ऑन रोड दिया, 1083 दिया था। हाँ, तो ये ऑन रोड दिया। इसमें हम अगर किसी दूसरी गाड़ी का बेस मॉडल लेते हैं जैसे कि क्रेटा ब्रेजा ब्रेजा का, तो 20 का मॉडल आ जाता। हाँ, 20 का मॉडल आ जाता। हाँ, लेकिन उनमें वो बंद मजा नहीं आता। टॉप मॉडल मतलब टॉप से टॉप वाला जो क्रूज कंट्रोल, सनरूफ, मोबाइल से स्टार्ट होने वाला सिस्टम है। हाँ, और भी बहुत सारे फीचर्स, बड़ी टच स्क्रीन। हाँ, ये सारे फीचर्स नहीं मिल रहे उनमें, नहीं मिल रहे। हाँ, तो भाई एक प्रॉब्लम आपको लगी नहीं कि नीचे गाड़ी अगर आप उनका बेस मॉडल ले रहे तो ऊंची गाड़ी मिलती है आपको थोड़ी? हाँ, ऊंची गाड़ी, लेकिन ये मिड साइज की हो गई। अभी तक हमारी एरिया में तो कुछ दिक्कत आई नहीं। अच्छा, और इस एरिया में तो हमारे यहाँ तो दिक्कत आ रही होगी, काफी दिक्कत आ गई, 2-3 जगह टच हो गई। हाँ, और देखो ये यहाँ पे आगे के लॉक भी खुल गए। अच्छा जी, देखो ये एक तो यहाँ भी लॉक खुल गई, देखो जैसी ऐसी लग गई। और ये पीछे का बम्पर उस साइड का, हाँ, इसके भी लॉक खुल गए। अच्छा, तो ये भी कलेश हो गया भाई। ये इसके भी यहाँ के लॉक खुल गए, इधर ऐसे लगा इसको। तो ये थोड़ी दिक्कत आपने देखी कि भाई इस साइड भी देखो, ये थोड़ा इस साइड भी लग गई भाई। ये तो आपने चारों तरफ से कर दिया काम गाड़ी का। तो यहाँ पे सड़कें ही ऐसी है, मैं क्या करूँ मतलब हमारी गलती है। तो भाई सरकार की है, सरकार की गलती है। गाड़ी का इंटीरियर देखो भाई, ये तो क्रेटा जैसा लग रहा है मुझे। हैंडल है ना क्रेटा वाला, क्रेटा जैसा ही है। हाँ, तो भाई पेट्रोल में भाई तो एवरेज वगैरह तो मुश्किल मिलती होगी गाड़ी की। हम जैसे कि हम सिटी की तो रनिंग है नहीं मेरी। हाँ, और जैसे कि गांव वाले हाईवे वगैरह, स्टेट हाईवे ये है हमारे उस एरिया में, तो 16-17 आराम से निकाल लेता हूँ मैं। 16-17 आराम? हाँ, तो पेट्रोल में। हाँ, पेट्रोल। तो भाई मतलब बड़े प्यार से चलाते होंगे गाड़ी तो आप? हाँ, प्यार से चलाता हूँ, बगाने का शौकीन नहीं था इसलिए यहाँ पे पेट्रोल ही नहीं तो डीजल लेता। हाँ, वही तो। तो भाई सर्विस वगैरह क्या सीन है? सर्विस इसकी दो सर्विस हो गई, एक तो फ्री वाली थी तो वो तो फ्री में हो गई थी। कितनी चलाती गाड़ी? गाड़ी 11,000 कुछ चल गई। अच्छा, और सेकंड वाली हुई थी इसकी, 1 साल भी गया ना, वो 10,000 तो पहले हुआ नहीं था। हाँ, तो 1 साल भी हुई थी वो लगभग 1700-1800 रुपये में हो गई थी। सर्विस तो बढ़िया ही है, अभी तक तो बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है। तो भाई एक थोड़ा सा वैसे सवाल है मेरा कि अब जैसे यार मैं देख रहा हूँ गाड़ी इतनी चल नहीं रही है। हाँ, जितने मुकाबले पुरानी i20 चली थी, जो सबसे पहले i20 आई थी, तो उसके मुकाबले नहीं चल पाई, तो इस बारे में क्या कहना, क्यों ना चल पाई, क्या दिक्कत बन गई गाड़ी के साथ? वो क्या है ना, फीचर्स भी कुछ ज्यादा डाल दिए। हाँ, और प्राइस भी ज्यादा बढ़ा दी। अच्छा, इसके जो बराबरी में गाड़ी आती है। हाँ, बलेनो। हाँ, एल्ट्रोस। हाँ, उनमें ना तो सनरूफ आती है। हाँ, ना कुछ खास म्यूजिक सिस्टम वाला सेटअप आता है, क्योंकि इसमें 7 म्यूजिक सिस्टम 7 स्पीकर है और एक एम्प भी लगा हुआ है। हाँ, और सब ऊपर वगैरह भी लगी हुई है कंपनी से ही। अच्छा, तो उन गाड़ियों में एल्ट्रोस में और बलेनो में इतने खास वो भी नहीं आ रहे। तो ये कुछ ज्यादा चीजें डाल दी उन्होंने और प्राइस बढ़ा दी, तो ये और प्राइस लगने लगी, लेकिन जो खरीदता है। हाँ, उसके लिए ये प्राइस बढ़िया है वैसे। अच्छा, तो मतलब आप वैल्यू फॉर मनी मानते हो अपनी गाड़ी को? हाँ, वैल्यू फॉर मनी 11 लाख रुपए में देख सकते हो। लुक्स अच्छी है, काफी अच्छी है भाई, ऐसे कोई ये नहीं है। लेकिन भाई पुरानी i20 या नई i20 में से एक चॉइस करने के लिए कहूँ तो क्या करोगे? मैं तो नई वाली ही करूँगा। क्यों, पुरानी कैसे, क्या दिक्कत है पुरानी में?
पुरानी में दिक्कत तो कुछ नहीं है, उसमें सनरूफ नहीं है, मोबाइल से स्टार्ट नहीं होती, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम नहीं था बॉस वाला। अब इसमें बढ़िया है। हाँ वो बढ़िया है, आप बजा के देखना अभी। बजा के देखेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और सनरूफ दिखाओ ना अंदर से कितनी खुलती है, क्या सीन है, बड़ी है छोटी है कैसी है, अंदर बैठ के देखते भाई गाड़ी के। भाई नीचे तो है यार काफी, है ना। हाँ नीचे है, 170 है मैम इसकी क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस। हमारे एरिया में तो नहीं टच होती है वैसे। सनरूफ भी काफी सही है भाई ये। भाई पर मैं देख रहा हूँ अपने गंदी ज्यादा कर रखी है ना। हाँ ये वाइट है रही है, निकलने के चक्कर में क्या ना यहाँ पे गंदे हाथ वगैरह लगा देते हैं। अच्छा वही है। हाँ ऑन करना भाई एक बार गाड़ी को। तो भाई ये देख लो कुछ इस तरह का इसका स्पीडोमीटर ओडोमीटर है। ये वरना वाला ये भी बढ़िया लगता है क्योंकि और कोई सी भी में नहीं आता, ये वरना वाला है। तो इसमें काफी चीजें एक्स्ट्रा डाल दी जिसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ गई। अच्छा तो आप मतलब सही समझते हो कि सही जगह मतलब सही तरीके से ने प्राइस बढ़ा या फिर चक्कर है गलत? वो कम फीचर्स करके प्राइस कम कर देते तो उसको ओवर प्राइस नहीं बोलते वो। अच्छा जैसे कि बलेनो के बराबर फीचर्स दे देते, लेकिन क्या है ना इन्होंने थोड़ा ज्यादा फीचर्स वगैरह डाल दिए और प्राइस भी थोड़ी हाई कर दी। जैसे कि इसका अभी एन लाइन वाला मॉडल है ना वो 14 लाख तक जाता है। 14 लाख? हाँ ऑन रोड 14 लाख 15 लाख तक जाता है। अच्छा जी। तो जैसे कि वो थोड़ी वो तो और भी ज्यादा ओवर प्राइस है, उसमें क्या है ना टर्बो वगैरह आता है और उसमें थोड़ी जैसे प्रीमियम फील आती है, एग्जॉस्ट भी आता है उसमें। हाँ। वो एनलाइन वाले में। हाँ। वो इसके ऊपर निकाला है बाद में। अच्छा ये भाई ये कौन सा मॉडल है? ये एस्टा ऑप्शनल है। अच्छा ऑप्शनल में क्या क्या चीजें आती है मतलब? इसमें जैसे कि एस्टा में अब तो क्या है ना एस्टा को अपडेट कर दिया, पहले एस्टा में सनरूफ नहीं आती थी लेकिन अब एस्टा में भी सनरूफ आने लगे जब से बलेनो लॉन्च हुई है। अच्छा लेकिन उसमें टच स्क्रीन छोटी कर दी और उसमें ब्लूलिंक हटा दी, वो सिम वाला सिस्टम हटा दिया, इसमें सिम आती है। हाँ। और अगर पहले कोई किसी ने एस्टा ली तो उसमें भी इतनी बड़ी टच स्क्रीन आती है और सनरूफ नहीं आती। अच्छा तो ये अपडेट कर दिए बलेनो लॉन्च होने के बाद। तो बलेनो टक्कर दे पा रही है इसको, क्या सीन चल रहा है मार्केट में? हाँ टक्कर बलेनो का तो मुकाबला है नहीं वैसे, वो मारुति है वो तो नंबर वन पे रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। भाई ये भी तो हुंडई है, ये भी तो अच्छी कंपनी है काफी अच्छी है, लेकिन हुंडई मारुति का मुकाबला नहीं कर सकती चाहे कितनी बढ़िया चीजें दे लो। अच्छा जी। हाँ हाँ भाई बड़ी बात बोली आपने, तो कहीं ना कहीं ठीक भी है क्योंकि मारुति है ना महीने के 2-2 लाख यूनिट सेल कर रही है और हुंडई ज्यादा ज्यादा 50-60 हजार तक इतने तक ही रुक जाती है। तो अब आप देख सकते हो। ना ना बिल्कुल। तो बलेनो क्यों नहीं ली फिर? बलेनो 11 लाख रुपए में तो मैं कर रहा हूँ, बलेनो अभी जाती है 2-3 साल का तेल। बलेनो का पुराना वाला मॉडल था ना वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया था वो उस टाइम, वो पुराना वाला ही मिल रहा था। न्यू वाला अभी है ना वो बाहर से तो वो भी सेम ही है, अंदर से वो प्रीमियम कर दिया थोड़ा। तो अगर नई वाली जो बलेनो आती है और i20 आती तो कौन से चूज करता आप? तो शायद मैं बलेनो की तरफ जा सकता था क्योंकि उसमें अंदर प्रीमियम ज्यादा है। हाँ। अंदर से काफी प्रीमियम लगती है वो। ये थोड़ी सी प्रीमियम है नहीं है क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, मतलब चलाते वक्त फील आती है? न्यू वाली बलेनो के मुकाबले तो थोड़ा कम ही लगती है क्योंकि इसमें थोड़ी ये पूरी एक जैसा इंटीरियर लगता है उसमें, जैसे कि ड्यूअल टोन और यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें डाल दी है न्यू वाली बलेनो में। अच्छा अच्छा। बस उसमें सनरूफ की कमी है, मोबाइल से स्टार्ट वगैरह। भाई वैसे सनरूफ का यूज है कुछ? हाँ निकलते हैं वैसे। निकलते हैं? वैसे मैं तो कम ही निकलता हूँ क्योंकि मैं चलाता हूँ, क्योंकि जितना मैंने सुना है जो जो सनरूफ की गाड़ी रखते हो यूं कहते भाई कोई यूज नहीं है बस दिखावटी है। हाँ मेरे लिए तो कोई यूज नहीं है, है ना। हाँ लेकिन जो ये दोस्त वगैरह साथ जाते हैं उनके लिए यूज है। हाँ। वो बाहर निकल जाते हैं। हाँ। इसको दो जोर से दबा दो आगे। सही है भाई, ओके पर फील अच्छी आती है गाड़ी में। और भाई स्पेस बैक की स्पेस के बारे में क्या कहना चाहोगे? बढ़िया है, वरना से भी ज्यादा है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही वरना देखी थी, वरना में भी स्पेस नहीं था। अच्छा तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लिया। अब मैं पीछे जाता हूँ। हाँ हाँ। तो भाई पूरा स्पेस वगैरह बाइक को दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं। वरना वरना में बैठा था ना तो उसमें भी इतना स्पेस नहीं था और वरना ऊपर से भी टच हो रही थी मेरी। हाँ। टच हो गई थी पूरी। अच्छा। ये देखो इतनी अभी इतनी खाली है, बच रही है मतलब। हाँ। और इसमें क्या है ना ऐसा कर दिया, ये यहाँ तक सनरूफ आती है ना ये अंदर, तो इसके पीछे ही ऊपर कर दिया इसको। अच्छा। ताकि पीछे वालों को स्पेस मिल जाए, नहीं ये इतना ही रहता तो ये भाई ये तो बहुत तरीके की चीज करी है कंपनी वालों ने, है ना। सही है भाई, बहुत बढ़िया। आर्म रेस्ट भी मिलता है, बस कप होल्डर नहीं मिलती। ना काफी सही है। आ जाओ भाई बाहर आ जाओ। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो i20 न्यू के बारे में, एस्टा के बारे में।
फर्स्ट टाइम मैंने देखी अंदर से, क्योंकि आज से पहले अपने यार एरिया में इतनी है नहीं है, क्योंकि लोगों ने ज्यादा यूज करी नहीं है गाड़ी। बाकी बहुत अच्छी गाड़ी, कोई अगर भाई लेना चाहे तो बिल्कुल ले या ना ले। हाँ बिल्कुल, वो अपनी चॉइस के हिसाब से है, जिसको अगर सनरूफ वगैरह और वैसे नहीं पसंद है, माइलेज ज्यादा पसंद है तो वो मारुति की तरफ जा सकता है। अच्छा, फीचर पसंद है वो यहाँ पे आए। हाँ, फीचर से और प्रीमियमनेस पसंद है। हाँ। तो इस तरफ आ सकता है। इसमें बोस का म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ पे सनरूफ है और टच स्क्रीन, वो क्लस्टर मीटर बढ़िया है। हाँ, सारी चीजें ओके की रिपोर्ट है। और ब्रदर आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है? मिलिंद चौधरी के नाम से ही है। तो भाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो भाई के जल्द से जल्द जाके वहाँ पे देखो, आपको i20 की सारी A to Z कहानी मिलेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते रहना नेक्स्ट वीडियो में।